नमस्कार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि अभी संपन्न हो रहे हैं, इसके ग्राउंड कवरेज में हम आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र में इस समय उपस्थित हैं। और यहां पर रयान इंटरनेशनल एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर हम ग्राउंड रियलिटी जानना चाहेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मिजाज है, उन्होंने कैसे चुनाव किया है। देखिए हम यहाँ बात करते हैं। मैडम, क्या नाम? आयुषी जी, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। मैम, जो आपने वोट किया है, आपका क्या मुद्दा था, मतलब किस मुद्दे पर आपने वोट? किसी पार्टी विशेष का नाम ना लें। बस ये था कि सरकार अच्छी चल रही है और हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग हैं यूथ जो हैं, बेसिकली हम ही लोग वोट करेंगे तभी आगे कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं चीज़ों के, जो कि होते भी आए हैं और आगे भी होते रहे, इस बेसिस पे बस वोट दिया है। तो आपको बताना है तो? हाँ बेटा, आप बताओ। मेरा नाम है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, तो मैम अगर हम बात करें कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है, आप जिस पे वोटिंग किया होगा आपने, तो कुछ तो आपके दिमाग में होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे जॉब्स ले लीजिए, चाहे डेवलपमेंट ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ आप पर्टिकुलर कुछ भी उठालेंगे उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसको मतलब सभी चीज़ को लेके दिया है वोट। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। मैम आप क्या? शिवानी जी, आपने वोटिंग कर दिया है, तो आपके क्या मुद्दे थे, आप वोट करते वक्त आपने क्या सोच के वोट किया है? वोट इसलिए, वोट तो हर किसी को करना चाहिए, वोट करना भी जरूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट अपनी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए तो फिर आपको सपोर्ट करेंगे तभी आपको सपोर्ट मिलेगा ना। वोटिंग करना एक मैम अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब वोटिंग कर रही होंगे तो आपके पास कुछ तो मुद्दे आपके दिमाग में होंगे कि जैसे हम एग्जांपल के हम सुरक्षा चाहते हैं, जैसा भी है, एक आपका मापदंड रहा होगा, तो आपका क्या था? चाहते हैं सभी कुछ, चाहते हैं तो जब वोट करेंगे तभी हमको मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शिवानी जी ने वोटिंग किया है अपने कुछ मुद्दों पर, हम आगे बात करेंगे। मैडम क्या नाम? मंजुलता सक्सेना जी, आपने वोट कर दिया मैडम, आपके क्या क्या मुद्दे थे, किस पे आपने वोटिंग किया है? मेट्रो विकास और दूसरा अपना जो स्वच्छ रह रहे हैं हम लोग, कोई डर भय नहीं है तो इसलिए। तो बिना डर भय, और डर और भय एक है, कोई डर भय नहीं है, कभी भी घूम सकते हैं, निकल सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर्स की ये बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर्स इनके लिए एक अहम मुद्दा है, इसी पे इन्होंने वोटिंग किया है। सर क्या नाम है? पी शर्मा। पी शर्मा जी, आपने वोटिंग कर दिया? हाँ जी, कर दिया। सर आपका क्या मुद्दा था वोटिंग करने का, क्या आपने किस पे इम्पोर्टेंस दिया है? देखिए, देश हित में जो भी सरकार काम करे हम उस सरकार का समर्थन करेंगे, हमें निष्पक्ष भाव से और जो सरकार बिल्कुल कदम पर कदम मिला के चले हम उसके साथ हैं और रहेंगे आगे। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं कि सर का अपना एक मुद्दा है कि कदम ताल मिला के और अधिक से अधिक विकास, और इनके सबके अपने अपने एजेंडे हैं और जिस पे जो है एक वोटिंग की जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग हर एक उम्र के लोग पूरा उत्साहित उत्साह के साथ जो है वोटिंग कर रहे हैं, तो ये हम एक शुभ संकेत मान सकते हैं कि हमें डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि अच्छी वोटिंग होगी और अच्छी परसेंटेज रहेंगे। नमस्कार, लोकतंत्र के महापर्व चुनाव 2022 में हम इस समय उपस्थित हैं और इसको हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के गौर सिटी में मतदान केंद्र मंथन स्कूल है जहां पर इस समय हम उपस्थित हैं। यहां हम बात करेंगे यहां की तैयारियों के बारे में। तो क्या नाम है सर आप? मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है, यहाँ का प्रबंधन देखता हूँ और हमने यहाँ पर वोटर्स के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियाँ कर रखी हैं। जैसे सैनिटाइजेशन के लिए हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई हुई है, ऑटोमेटिक मशीन है वो। इसके बाद और उनको रास्ता दिखाने के लिए अलग से हमने स्टैंड्स लगाए हुए हैं ताकि उनको प्रॉपर कौन से बूथ में जाना है कौन उनको पता लग सके, सारे स्टैंडिंग लगाई हुई हैं। टीचर्स के द्वारा बोर्ड तैयार किए गए हैं ताकि
जो हमारे वोटर्स हैं उनको हम प्रेरित कर सकें कि हमें वोट करना चाहिए, वोट करना हमारा मतदान हमारा अधिकार भी है और हमारी शक्ति भी है। पंकज जी, अगर हम बात करें कि आपके स्कूल की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से कुछ ऐसा विशेष जो आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया हो, जिससे आइए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों ने हमारे लिए क्या तैयारी की है। ये जितने भी पोस्टर्स हैं सब, ये सब हमारे बच्चों के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। मैं कैमरामैन अभिषेक जी से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि बच्चों ने इसमें स्पेशल क्या कर रखा है। पंकज जी एक बार जूम करें और इसको दिखाने की कोशिश करें। ये आप देखें कि बच्चों ने कितने ही खूबसूरती से और कितने ही क्रिएटिव तरीके से डेमोक्रेसी को और चुनाव को बेहतर तरीके से दर्शाया है और चुनाव की महत्ता को और चुनाव की इम्पोर्टेंस को बच्चों के शब्दों में आप देख सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छा। इसलिए इसके लिए हम मंथन स्कूल और इनके बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और सर बताइए कि इसके अलावा क्या अलग है पिछले चुनाव और अब के चुनाव में? इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है चुनाव को लेकर और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आकर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। बहुत अच्छे। शासन प्रशासन की तरफ से आप क्या कहेंगे, कितना सहयोग आपको मिल रहा है? शासन की तरफ से पूरा सहयोग है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां कराई हैं। काफ़ी टाइम से हमारे साथ जूम पर कनेक्ट होकर, यहाँ के DM सर ने भी जूम पर कनेक्ट होकर हमसे सारी की सारी तैयारियों के बारे में कि कैसे होनी चाहिए, कैसे करना है, कैसे वोटर्स को प्रमोट करना है, इन सब के लिए अलग से सेशन लिए गए स्कूल्स को। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट, काफ़ी अच्छी व्यवस्था मंथन स्कूल के प्रबंधन और यहाँ के लोगों के द्वारा भी, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछली बार से अभी तक काफ़ी परसेंटेज लो थे, तो इन व्यवस्थाओं के साथ जो है काफ़ी जो है इसमें इंक्रीमेंट होगा और वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। इसी के साथ मंथन स्कूल से संदीप तिवारी ब्यूरो चीफ और कैमरामैन अभिषेक चहल के साथ संदीप तिवारी।